और अब भी जाकर के कैरम आए, तभी चलते हैं बाहर कैरम लेने के लिए। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग ऐसे घूम रहे हैं और ठंड काफी ज्यादा है रोज के मुकाबले। और हाँ देखिए देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो रियान आ गया घर से, कैसे तुमको निकलने दे दिया भाई। और वहाँ आगे साहिद भैया जा रहे, दिखाई भी नहीं दे रहा, कुहासा है भाई पूरा। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बड़े हो गए। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे 12:30 और अभी मस्त नहा धोके फ्रेश हो गया और अभी डायरेक्ट छत के ऊपर आ गए। ये इसलिए लगाते ना क्योंकि बकरी आ जाती है छत के ऊपर। अरे एक सेकंड, मेरा पैर फंस गया। ये देखिए, ये भी मस्त नहा धोवा के रेडी है क्योंकि आज फ्राइडे है और आज इतना हवा चल रहा है ना, नहा रहे थे काफी ज्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन अच्छा हुआ घर पे गीजर है तो गर्म गर्म पानी से नहाने मिल जाता है। और अभी सायराबाजी आई हुई है क्योंकि आजकल सप्ताह में 7 दिन के बाद ही नहा रहा है, या फिर बहुत कम ही ऐसा टाइम हो रहा है कि रोज नहा रहा है। रोज नहाती है, जुम्मा का दिन। हाँ, जुम्मा का दिन सबको ही नहाता है ना, इसलिए कपड़ा कुछ ज्यादा ही फिजाता है, सबको अपना अपना खोल देता है। तो अभी सब कोई नहाया है क्योंकि जुम्मा का दिन हर कोई को नहाना ही पड़ता है। लेकिन जुम्मा के दिन कुछ ज्यादा ही फिजना पड़ता है, इसलिए सारा बाजी यहाँ पे लाई है कपड़ा डालने के लिए छत पे। और धूप तो काफी ज्यादा है, बाकी हवा भी मस्त चल रहा है। और देखिये छत के ऊपर ना यास्मीन खेती की है, मतलब पता नहीं क्या है इन लोगों का, जहाँ देखो वहाँ खेती। इसके ऊपर क्या क्या लगाई है, ये क्या है? फूल गोभी है ये, और वो टमाटर है, ये भी फूल गोभी है। फूल गोभी और पत्ता गोभी तो सेम है? नहीं, फूल गोभी नीचे बनता है, पत्ता गोभी लंबा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे उग जाएगा फूल गोभी, और इधर भी टमाटर है और इधर भी फूल गोभी। ये फूल गोभी या बंदा गोभी है? कितना बड़ा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यास्मीन छत के ऊपर कुछ इतना सारा खेती कर दी, मतलब लिटरली छत के ऊपर खेती कर दी है, और इसमें फूल गोभी लगाई, बंदा गोभी लगाई। अब मान लीजिए कि फूल गोभी इतना, अभी तो पत्ता ही है, मान लो बड़ा होगा तो कैसे, ये तो पूरा भर जाएगा रे, दो कैसे होगा? क्या इसके अंदर लहसुन लगाई है? हाँ, तो इधर लहसुन भी लगा हुआ है। तो ये है यास्मीन का कुछ फार्मिंग जो कि यास्मीन छत के ऊपर की है। गाइस मेरे को लगा बस यहीं पे यास्मीन खेती की है, मतलब फार्मिंग की है, लेकिन बस यहीं पे नहीं, इस साइड भी की है। अरे तुम लोग फार्मिंग किधर से सीख रही है? यूट्यूब से। ओह भाई, नीचे टोकरी में भी की है, तो इधर भी लगाई है फूल गोभी और धनिया, ये रहा जो कि बहुत सारा धनिया उग चुका है। और इसके अंदर क्या है? पालक का बीज डाल दिया अभी होगा, पालक का बीज डाला हुआ है इसके अंदर, अभी हुआ नहीं है। इसमें मिर्ची का बीज है और पालक, इसमें मिर्च डाला हुआ है। हाँ, ये देखिए गाइस, ऊपर से दिख रहा है मिर्च, इसमें बीज निकल रहा है। और इधर आप देख सकते हैं अंडा के अंदर यास्मीन डाल के रखी है, अंडा वाले ट्रे के अंदर बहुत सारा बीज जो कि अभी बीज निकल रहा है, फिर जब बीज निकल जाएगा तो यास्मीन उसको वापस से बोएगी। निकल गया है। अभी हम लोग घर में सबको मस्त नहा धोके फ्रेश हो चुके हैं और अभी कुछ देर में अजान होगा, फिर नमाज भी पढ़ने के लिए जाना है। जैसा कि अभी ठंड का टाइम आ गया है ना, और ठंड के टाइम पे जब ऐसा हवा चलता है ना तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। मस्त ऐसे नहा धोवा करके आओ और जब ये हवा चलता है ना तो बहुत, मतलब बहुत ठंडा लगता है नहाते टाइम तो बहुत ज्यादा, बट नहाने के बाद फिर छत में आके बैठ जाओ तो थोड़ा गर्मी के साथ थोड़ा हवा भी लग रहा है। जैसे कि धूप देख सकते हैं, पूरा आसमान क्लियर है। आप देख सकते हैं सीढ़ी के नीचे यास्मीन क्या करके रखी है, इधर भी बीज लगाई है, अरे बीज निकल रही है, देखो बीज निकल गया गाइस, ये देखिए इस पे भी निकल गया है। यास्मीन जितना लगाई ना सब में बीज निकल चुका है। ये कोको पाउडर यास्मीन लेकर के आती है, ऑनलाइन खरीदती है। कितने का मिलता है रे तुमको? 200-300 का मिलता है, और उसके अंदर बीज लगाती है यास्मीन, कुछ ऐसे ऊपर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। कितना किलो मंगाती है? 1 kg। अच्छा, ये सब किस चीज का बीज लगाई है? मटर चिमड़ी। फाइनली सलमान स्कूल से आ गया है, हो गया तेरा रजिस्ट्रेशन? फिर जाएगा, क्यों नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन अभी तक? क्या कम हो गया? चेकलिस्ट जो स्कूल से दिया था तुमको, मोटा वाला सर। तो क्या होता है चेकलिस्ट? अरे जो एग्जाम से पहले चेक नहीं करता क्या क्या चाहिए। अच्छा, तो तुमको दिया था? कहाँ दिया होता है, पेज वेज के अंदर रखा होगा जो बैग लेके जाता है ना। सोच रहे हैं वो को भी मेरे खाते इसका दिन, वो कहाँ चल गया नहीं। ढूंढो किधर खो दिया। सलमान के साथ सीन हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसको जो चेकलिस्ट मिला था वो इसको मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर रख दिया ये। अरे तो इसको मिल गया जान को? हाँ, ओ भाई साहब, अब ये फंस चुका है, अभी स्कूल से वापस आया क्योंकि इसका चेकलिस्ट गायब हो गया, नहीं तो अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता। अरे इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये देखिए इस टेबल के नीचे टन टन टन, यहाँ पे एक अंडा है, यहाँ पे रोज मुर्गी आती है, बैठती है, अंडा देती है, और यहाँ से रोज अंडा गायब हो जाता है, सारा बाजी गायब करती है। कल रात में सब पका के देखे, खा रहा था। सब खा लिया अंडा? हमको तो एक भी अंडा नहीं मिला। अच्छा, रात में जो अंडा मिला था यहीं का अंडा था? हमको एक भी नहीं मिला। तो खाया, ओ भाई आज अंडा नहीं होगा। अरे है तो एक अंडा है, देखना वहाँ पे है ना।
दे दिया था तभी से घूम रहा था दर्दर मुर्गी हम देखे हाँ तो अंडा देके तो घूमेंगे नहीं मैसिम को बोल देते कि सारा अंडा उठा लेगी तो अंडा कैसे लगे लेकिन फिर भी दे रही सोची मेरा जगह है रोज यहीं पे अंडा देती गाइस रोज देती है पिछले 7-8 दिन से दे रही है 8 अंडा लगभग था सब खा लिया पहले टेबल उस साइड था ना ये ब्लैक वाला तो उधर देता था अंडा फिर हम लोग टेबल वहां से उठा के यहाँ कर दिए तो अब इधर अंडा देता है अभी शाम के 4 बज रहे हैं मस्त नमाज पढ़े उसके बाद खाना वाना खा के सो गए थे अभी वापस से ब्लॉग कंटिन्यू करते वैसे अभी ना सलमान तेरा काम हुआ जो तुम स्कूल का कर रहा था बड़े भैया वो बताओ ना तेरा काम हुआ है कि नहीं फ्री फायर बाद में खेलना ये लोग अभी मूढ़ी नाश्ता कर रहा है खिला दे भाई थोड़ा सा और अभी हम चलते हैं मार्केट और लेकर के आएंगे गाइस गोलगप्पा चलिए चलते हैं तो गाइस अभी चल रहे गोलगप्पा खाने के लिए आलम का स्कूटी लेकर के मेरा स्कूटी खराब हो गया तो अभी आलम के स्कूटी से चल रहे और भी कुछ सामान लेना है फाइनली अभी मार्केट से घर आ चुके हैं और कुछ ये लेकर के आए यास्मीन के लिए स्पेशली है ना मम्मी आप भी खाइएगा और क्या बना रहे हैं रोटी बना रही है मम्मी अभी पूरा धुआं धुआं लो यास्मीन तेरे लिए लेकर के आए लो 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 सिर्फ तेरे लिए है ये रहा गोलगप्पा जो कि अभी हम जस्ट मार्केट से लेकर के आए इन लोगों के लिए और जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम लोग कैरम बोर्ड लिए लेकिन अभी तक हम लोगों का कैरम बोर्ड आया नहीं हम लोग मंगल को बाय किए थे और आज फ्राइडे हो चुका है वैसे हम ब्लॉग डेली नहीं बना रहे एक दो दिन गैप करके ब्लॉग बना रहे और हम लोगों का कैरम अभी तक नहीं आया लिटरली अभी तक नहीं आया आज आने वाला है आज का डेट है बोला कि आज ला देंगे तो यास्मीन को खिला देते और अरमान और सलमान किधर है ये तो पता नहीं उन लोगों को भी देना है तो खाते गाइस अभी पहले गोलगप्पा और ये देखे किचन में रहती है आप लोगों के पास बिल्ली है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताइए इसका नाम टॉमी नहीं है इसका नाम किट्टी है यास्मीन बार बार इसको टॉमी बोलती है और टॉमी कुत्ता का नाम होता है बिल्ली का नहीं मम्मी खाओ मम्मी को तो बना करके अभी रात के 8:30 बज रहे लिटरली 8:30 बज रहे हैं और अभी जाकर के कैरम आया है तो अभी चलते हैं बाहर कैरम लेने के लिए बाकी सबको ही जाएगा अभी देखते हैं कौन कौन आने वाला है और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि अभी कैरम आया है वैसे सुबह मस्ती आएगा तो गाइस अभी रात के 8:30 बज रहे और अभी हम लोग ऐसे घूम रहे हैं ठंड काफी ज्यादा है रोज के मुकाबले और हाँ देखिए सबसे पहली बात तो रियान आ गया घर से कैसे तुमको निकलने दे दिया भाई और वहाँ आगे साहिद भैया जा रहे दिखाई भी नहीं दे रहा कुहासा है भाई पूरा अरे साहिद भाई आप नजर नहीं आ रहे बहुत बहुत लेट करवा के लाया लेकिन इसके वजह से लेट हुआ भाई उस ब्लॉग में झूठ बोला गया था उस दिन कैरम नहीं आया था जो आया भाई बहुत मुश्किलात से आज आया भाई आज आया उस दिन ले लिए थे हम लोग उस दिन हम लोग खरीद लिए थे लेकिन आया आज अरे नहीं हम उस दिन बोल दिए थे कि 2-3 दिन बाद आएगा अरे ऊपर है कैरम ओ चलो 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 पुराना नहीं क्या स्क्रैच लग गया है चलो ना देखते हैं वो उतरने दो मजा आएगा ना खेलने में पिसल रहा है पूरा पिसल रहा है उसको छोड़ो उतारिए चले चलो 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 ओ भाई टूटा नहीं आया साइड साइड में देखे साइड साइड में देखे साइड साइड में देखे मार रहे भाई लाइट अरे यहाँ अरे यार कौन सा कलर का चड्डी पहने हो साइज ठीक है ना नाम हाँ नाम नाम चेक कर लीजिए सिग्नेचर जो किए थे भरोसा कैसे कर लेता है मालदा का नीचे उल्टा लेगा घोप कर दिया एकदम खतरनाक ना गोटी गोटी लेकर के आइए हम तुमको बोले थे ना कि तुम आराम से सो जाएगा अभी डंडा रस्सी लगा भाई अब बताओ कितना बड़ा कैरम है बोल रहा था ना उठा के काहे नहीं लाता है साहिद भाई एक बार मार के दिखाई चलिए चलिए इधर इधर मारिए इधर इधर मेरे साइड
मारी ना गोटी में मारी गोटी पूरा जिगल उगल मार रहा है पूरा। रोटी और आलू का भुजिया, आलू का सब्जी और रोटी बनाए। 5 बजे से खेलने लगेगा। ओ भाई चलो चलो सो जाओ सो जाओ। फाइनली रात के अभी 9:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग कैरम को घर के अंदर रख दिया और मस्त सबको अपने अपने घर चले गए। तो आज खाने में बनाए रोटी और सब्जी। चलिए अभी फटाफट से खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपसे लोग आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 7:16-17 हो रहा है और रात का है अभी टाइम। ये देखिए बाहर में अंधेरा हो चुका है और ये दोनों ना घर में बैठ करके पता नहीं YouTube में कोई वीडियो देख रहा था और देखिए कैसे सो गया है। लिटरली पूरा सोया हुआ है। इन लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं, वीडियो चल रहा अपना। ये देखिए गाइस मस्त सो गया है दोनों। इन लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं कि इन लोगों का फोन में वीडियो चल रहा है। लोग वीडियो देखते देखते सो गया मस्त। 7 ही बजे सो गया, लिटरली 7 बजे सो गया। ठंड के टाइम में पता ही नहीं चलता टाइम का और सो जाते बस। ओए सलमान सलमान तू लोग तो यूट्यूब देख रहा था, कैसे सो गया? अरे मत बना।